तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर था तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक वॉइस ओवर वीडियो भी बना दिया जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको कंटेंट तो मिल जाता है और साथ ही साथ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी पॉइंट टू पॉइंट मिल जाता है। तो आज ये वीडियो वॉइस ओवर वाला रहेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एमजी की हेक्टर की 6 सीटर वेरिएंट। हाँ, एमजी हेक्टर तो ऑलरेडी 5 सीटर में अवेलेबल है ही सही, लेकिन इंडिया में एमजी की 6 सीटर वेरिएंट जो है वो भी इंडिया में आने वाली है। उसके बारे में सारी डिटेल्स के साथ आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक नया अपडेट आपके लिए यहाँ पे रहेगा, वो है न्यू हेक्टर की 6 सीटर की इंजन ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि नॉर्मल हेक्टर की 6 सीटर से भी एक अपर ग्रेड की इंजन यहाँ पे आपको ऑफर किया जा सकता है। तो देर नहीं करते बढ़ते इस वीडियो में। मैं अनिर्बान बैनर्जी टर्बो ड्राइव के इस नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने वो नहीं किया है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, यहाँ पे जो एमजी की हेक्टर की 6 सीटर है वो डिजाइन में तो एमजी की नॉर्मल हेक्टर की 7 सीटर से अलग होगी सही। उसमें अलग की तौर पे आपको जो सामने का लुक मिलेगा वो ज़्यादा बड़ी डॉन्टिंग लुक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बड़ी ग्रिल्स, हेडलैम्प्स जो यूनिट्स हैं वह बाकी वो तो सेम रहेंगे ही सही, लेकिन एक ओवरऑल जो फ्रेशनेस अपील आप अपने इमेजेस में देख सकते हैं वो यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर ऑफर की जाएगी। साथ ही साथ डिज़ाइन ऑफ द ग्रिल भी अलग होगा। अलॉयज में थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, साइड पैनल्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, इंटीरियर्स भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, कोई ज़्यादा इस मामले में कोई चेंजेस नहीं होंगे। थोड़ी बहुत एक आध प्लास्टिक में कोई चेंजेस आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। पीछे चले तो पीछे भी आपको एक न्यू टेल लैम्प यूनिट वगैरह दिखने वाला है, रीडिज़ाइन बम्पर्स दिखने वाले हैं, जो कि आपको जो न्यू फील है डिज़ाइन की उसमें ज़्यादा एहसास कराएगी। एमजी की 6 सीटर ज़्यादा बड़ी है एमजी की 5 सीटर से, जो कि अराउंड 40-50 मिलीमीटर्स बड़ी होगी एमजी की नॉर्मल हेक्टर से, जो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट ऑफ साइज़ है। और इस साइज़ के साथ ये नॉर्मल बिग साइज़ एसयूवीज़ जो है इनमें काफ़ी अच्छे से बैठ जाती है। फिर इंटीरियर्स की ओर चल रहे हैं कि इंटीरियर्स में काफ़ी अच्छी स्पेस मिलेगी, 6 सीटिंग ऑप्शंस रहेंगे, तो बीच वाले रो में मोस्ट प्रॉब्ली आपको कैप्टन सीट्स जो अच्छे प्रीमियम लेवल के कैप्टन सीट्स है वो ऑफर किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें इंटीरियर स्पेस काफ़ी अच्छा मिलेगा। एमजी अभी हेक्टर में काफ़ी अच्छी इंटीरियर स्पेस ऑफर होती है तो वही कंटिन्यू होगी मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे अभी तक मैंने तो एक्सपीरियंस किया नहीं है, लेकिन पीछे की रियर सीट में भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस आपको थर्ड रो में मिलने वाली है। बूट स्पेस भी अच्छी खासी डिसेंट बूट स्पेस आपको मिलेगी 200 लीटर के आसपास। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी स्पेशियस कैबिन यहाँ पे आपको रहने वाली है। साथ ही साथ जितने भी कनेक्टिविटी फीचर्स यहाँ पे एमजी की 6 सीटर ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करती है वो वही रहेंगे जो एमजी की हेक्टर की है। बाकी ज़्यादा कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल चेंजेस यहाँ पे आपको दिखने नहीं वाला है। फिर बढ़ते हैं यहाँ पे इंजन की ओर, जहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए, पहली बात तो एमजी की हेक्टर भी BS6 नॉर्म्स के साथ अपग्रेड हो जाएंगी, क्योंकि अभी वो BS4 में सेल होती आ रही है। यहाँ पे एमजी की जो 6 सीटर आएंगी उसका भी यहाँ पे BS6 नॉर्म्स के साथ ही इंजन लॉन्च होगा। नया नेम टैग कैरी करेगा ये जो एमजी की 6 सीटर है, ये नया नेम टैग कैरी करेगा, हेक्टर प्लस या ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एकदम न्यू फ्रेश नेम टैग ये कैरी करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे इंजन ऑप्शंस जो है वो हेक्टर से ही एक अपग्रेडेड इंजन ऑप्शंस यहाँ पे दिया जाएगा। BS6 रहेगा, सेम इंजन कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेन जो बात है कि एमजी की हेक्टर की अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ ट्यून में थोड़ी सी अंडर पावर्ड लगती है, तो वो एमजी एड्रेस करने के लिए यहाँ पे एमजी एक खुद इंडिपेंडेंटली डेवलप करके एक न्यू इंजन सेटअप ला रही है, जो कि ये अपनी दूसरी बड़ी बड़ी कार्स जो है उनके साथ भी शेयर करेंगी, जो कि एमजी की मैक्सस D90 है, जो आगे फ्यूचर में लॉन्च होंगे, जो एंडेवर या फॉर्च्यूनर इन सब के साथ कम्पीट करेंगे, तो उनके साथ जो कम्पिटिशन में जो कार होंगी उनमें जो इंजन होगा उसकी भी एक डीट्यून वर्जन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 218 BHP का पावर देता है, साथ ही साथ 480 Nm ऑफ टॉर्क देती है, जो कि हेल्दी अमाउंट ऑफ पावर एंड टॉर्क फिगर्स है और इस रेंज ऑफ कार के लिए काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्राइसिंग और लॉन्च की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे प्राइसिंग और लॉन्च जो है ये 1-1.5 लाख रुपीज तक इंक्रीज होगी नॉर्मल हेक्टर के वेरिएंट टू वेरिएंट अगर मैच किए तो। और यहाँ पे आपको पेट्रोल में भी ये मिलेगा, पेट्रोल में जो नॉर्मल स्टेट ऑफ ट्यून आता है वही मिलेगा। तो
फिलहाल तो इंजन ऑप्शंस वही रहेंगे, लेकिन ये जो एडिशनल डीजल में जो इंजन ऑप्शन आपको मैक्सस डी 90 का मिलेगा वो काफ़ी अच्छा हेल्दी एडिशन है। फिलहाल तो ये जो इंजन ऑप्शन है, ये इंजन ऑप्शन अभी ये काम चल रहा है तो ये रेडी नहीं है ये इंजन। मोस्ट प्रोबेबली ये 2022 मतलब अभी से 2 साल बाद आपको ये मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी इंजन रहेगी और इसकी जो प्राइस है अराउंड 1 लाख रुपीज नॉर्मल आपको जितने भी एम जी की 6 सीटर मिलेंगे उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है आपको देना पड़े। फिर लॉन्चिंग की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो लॉन्चिंग होगी ये मेनली फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 जो है उसमें ही होने की पूरी पूरी चांसेस है। एम जी की ई जेड एस जो है वो जनवरी में लॉन्च हो जाएगी, फिर उसके बाद एम जी की 6 सीटर ऑप्शन जो है वो लाइनअप में है, फिर उसके बाद दूसरी कार्स भी लाइनअप में आ रही है, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 है उसमें आपको यहाँ पे MG की 6 सीटर जो कि एक न्यू नेम टैग के साथ आपको मिलने वाली है वो आपको इंडियन सड़कों पे कुछ ही दिन बाद दिखते हुए मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है जाने से पहले लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।